प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पुलिस अधिकारी एक भारत श्रेष्ठ भारत के ध्वजवाहक हैं, इसलिए उनके हर कार्य में राष्ट्र प्रथम की भावना परिलक्षित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने हैदराबाद पुलिस अकादमी में प्रशिक्षण ले रहे भारतीय पुलिस सेवा के प्रशिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि वो ऐसे समय पर पुलिस सेवा से जुड़ रहे हैं जब देश में हर क्षेत्र और हर स्तर पर बदलाव की लहर चल रही है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राव भी मौजूद रहे। फील्ड में रहते हुए आप जो भी फैसले ले उसमें देश हित होना चाहिए, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य होना चाहिए। आपके कामकाज का दायरा और समस्याएं अक्सर लोकल होगी, ऐसे में ये मंत्र बहुत काम आएगा। आपको हमेशा ये याद रखना है कि आप एक भारत श्रेष्ठ भारत के भी ध्वजवाहक है, इसलिए आपके हर एक्शन, आपकी हर गतिविधि नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम, इसी भावना को रिफ्लेक्ट करने वाली होनी चाहिए। इस साल की 15 अगस्त की तारीख अपने साथ आजादी की 75वीं वर्षगांठ लेकर के आ रही है। बीते 75 सालों में भारत ने एक बेहतर पुलिस सेवा के निर्माण का प्रयास किया है। पुलिस ट्रेनिंग से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हाल के वर्षों में बहुत सुधार हुआ है। युवाओं को देख रहा हूं जो अगले 25 वर्ष तक भारत में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने में सहभागी होंगे। ये बहुत बड़ा दायित्व है, इसलिए अब एक नई शुरुआत, एक नए संकल्प के इरादे के साथ आगे बढ़ना है। आपको 1930 की दांडी यात्रा की याद दिलाना चाहता हूं। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह के दम पर अंग्रेजी शासन की नींव हिला देने की बात कही थी। एक छोटे से जत्थे को साथ लेकर महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से निकल पड़े थे। एक एक दिन बीतता गया और जो लोग जहां थे वो नमक सत्याग्रह से जुड़ते चले गए। 1930 से 1947 के बीच देश में जो ज्वार उठा, जिस तरह देश का युवा आगे बढ़कर आए, एक लक्ष्य के लिए एकजुट होकर पूरी युवा पीढ़ी जुट गई, आज यही मनोभाव आपके भीतर भी अपेक्षित है।